अभी हमने वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको ब्रेस्ट फैट ग्राफ्टिंग दिखाया था कि ब्रेस्ट को बड़ा करने के लिए हमने किस तरह से फैट यूज़ किया था। अब हम जल्द ही एक वीडियो डाल रहे हैं जिसमें हम आपको पूरा प्रोसीजर दिखाएंगे ब्रेस्ट इम्प्लांट का। बेसिकली ये सर्जरी कई बार लोग पेशेंट देखते हैं उनको ऐसा लगता है कि यार सर्जरी देखना थोड़ा डर लगता है, लेकिन सर्जरी दिखाने का पर्पस यही है कि लोगों के मन का डर निकले और उनको पता लगे कितनी सेफ है और दोनों के रिजल्ट में क्या फ़र्क होता है। तो आप उसको कंपैरिजन करने का, पिछले हफ्ते ही हमने डाला है ब्रेस्ट फैट ग्राफ्टिंग और अब हम कल या परसों आपको ब्रेस्ट इम्प्लांट का वीडियो डाल के दिखाएंगे कि किस तरह से प्रोसीजर हुआ और पेशेंट के बिफोर और आफ्टर में क्या फ़र्क आया। तो क्लोजली फॉलो करिएगा कि हम कितना इनमें दोनों में फ़र्क होता है। ब्रेस्ट सर्जरी एक वन ऑफ द बेस्ट सर्जरीज है कॉस्मेटिक सर्जरीज में, जिसका बहुत शानदार रिजल्ट होता है, लाइफ चेंजिंग रिजल्ट होता है। खासतौर पर ब्रेस्ट फैट ग्राफ्टिंग और ब्रेस्ट इम्प्लांट दोनों ही सेफ सर्जरीज है। हालांकि मैं मानता हूँ दोनों को कभी कंबाइन नहीं करना चाहिए, लेकिन आप जो भी चूज़ करें, अगर आपकी बॉडी में फैट कम है तो आप ब्रेस्ट इम्प्लांट चूज़ करें, या ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ की है तो ब्रेस्ट इम्प्लांट चूज़ करें। पेट में फैट है, ब्रेस्ट है लेकिन थोड़ी लटक गई है या उनका साइज़ थोड़ा सा कम है पेट के मुकाबले, तब आप ब्रेस्ट फैट ग्राफ्टिंग चूज़ करें, क्योंकि पेट कम हो जाएगा ब्रेस्ट बढ़ जाएगी। दोनों सर्जरीज में एक रात को रुकना होता है, सेफ रहता है अगर आप दूर से आए हो, अगले दिन आपकी छुट्टी हो जाती है, दोबारा आपको फॉलोअप में कभी नहीं आना पड़ता, टाँके कटवाने नहीं आना पड़ता, टाँके डिजोल्व हो जाते हैं अपने आप और आप उसके बाद एक महीने के बाद नॉर्मल अपनी जो भी सेक्सुअल एक्टिविटी है, जिस तरह की रूटीन लाइफ है, उसको फॉलो कर सकते हैं। तो कल हम आपको ये सर्जरी दिखाएंगे।